लद्दाख बॉर्डर से आ रही है सबसे बड़ी खबर। विवाद के बीच 2 किलोमीटर पीछे हटा चीन। भारत के चाणक्य को आगे करेगी मोदी सरकार। अब प्लान अजीत डोभाल से पस्त होगा चीन। दोस्तों, इस वक्त लद्दाख से सटी चीन सीमा से बड़ी खबर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर तो यह है कि चीन आखिरकार 2 किलोमीटर पीछे खिसक गया है, यानी तनाव जारी है लेकिन वो पीछे हट चुका है। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि अब चीन को पस्त करने वाली प्लानिंग भारत के चाणक्य यानी अजीत डोभाल को दी जा रही है, क्योंकि लद्दाख में पिछले 8 सप्ताह से तनाव जारी है। चीन की घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, लेकिन विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लिहाजा चीन की हरकतों को देखते हुए अब भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को ये जिम्मेदारी सौंप दी है, जो पाकिस्तान को कई बार अपने प्लान से पटखनी दे चुके हैं। तो साल 2017 के डोकलाम विवाद में भी ड्रैगन की नकेल कसने में आगे रहे थे। ये दो बड़ी खबरें हैं दोस्तों, जो विस्तार से आपको बताने वाले हैं, क्योंकि भारत के लिए ये बेहद जरूरी चीज है। लद्दाख मामले में एक्टिव हैं अजीत डोभाल। भारत सरकार स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से बॉर्डर मुद्दा सुलझाने पर विचार कर रही है। इसमें अजीत डोभाल और चीन में उनके समकक्ष वांग यी से बातचीत हो सकती है। वांग यी इस वक्त चीन के विदेश मंत्री होने के साथ साथ स्टेट काउंसलर भी हैं। इस पद की पावर विदेश मंत्री से ज्यादा होती है। सरकार मानती है कि इससे चीन की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा सकता है। लद्दाख संकट पर डोभाल पहले से ही एक्टिव हैं और चीन की हर हरकत पर उनकी पैनी नजर है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लद्दाख जाने का अचानक प्लान बना था, वो अजीत डोभाल की बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। डोभाल के प्लान की वजह से ही किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी थी। दूसरी ओर चीनी घुसपैठ की कोशिश के बाद जिस तरह भारत ने आक्रामक तरीके से उसका जवाब दिया, उसे भी डोभाल की रणनीति ही बताया जा रहा है। यानी दोस्तों, अब चीन का बचना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि भारत ने अब वो आखिरी पत्ते भी खोल दिए हैं। सैन्य मोर्चे पर भी जारी है बातचीत। दूसरी ओर बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर लेवल की बातचीत भी जारी है, यानी हर मोर्चे पर बातचीत हो रही है। और इस बीच भारत बातचीत को और ऊंचे स्तर पर उठाना चाहता है, यानी विदेश मंत्रियों के बीच भी बातचीत चल रही है, लेकिन अब भारत वहां ऊंचे स्तर तक इस बात को लेकर जाना चाहता है। चीन में 2017 तक विदेश मंत्री और स्टेट काउंसलर पद अलग अलग होते थे, लेकिन साल 2018 के बाद दोनों पद एक ही शख्स के पास होते हैं। 2017 में जब डोकलाम विवाद हुआ था तो स्टेट काउंसलर पद पर यांग जिएची थे। चीन ने उन्हें स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बनाया था। 2 किलोमीटर पीछे हटा चीन। लद्दाख से दोस्तों जो सबसे बड़ी खबर है और जिससे हर भारतीय को बेहद सुकून महसूस होगा, वो ये है कि आक्रामकता और फुफकार दिखाने के बाद जमीन हड़पने की कोशिश में जुटा ड्रैगन भारत से मिले ठोस जवाब और दबाव की वजह से अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर हो गया है। ये बड़ी खबर द हिंदू ने दी है, जिसके मुताबिक चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को हुई हिंसा वाली जगह से 2 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। 15 जून की घटना के बाद चाइनीज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक उस स्थान से इधर आ गए थे, जो भारत के मुताबिक एलएसी है। भारत ने भी अपनी मौजूदगी को उसी अनुपात में बढ़ाते हुए बंकर और अस्थायी ढांचे तैयार कर लिए थे। दोनों सेनाएं आंखों में आंखें डालकर खड़ी हुई थी। कमांडर लेवल की बातचीत में 20 जून को सहमति बनी और उसके बाद चीनी सैनिक पीछे हट गए हैं। और इस बात की पुष्टि के लिए रविवार को एक सर्वे किया गया था, जिसके बाद अधिकारियों ने बताया कि चीनी सैनिक हिंसक झड़प वाली जगह से 2 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि यहां से अस्थायी ढांचे भी चीन ने हटा लिए हैं।
भारतीय सैन्य ऑफिसर्स ने बताया कि इस बदलाव की जांच के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर लिया गया है, यानी ये लोग वहां से हट चुके हैं। तो ये बड़ी खबर हमारे पास में है जो भारत के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि दोनों देशों की सेनाओं के बीच लद्दाख में LSC पर करीब 2 महीने से टकराव के हालात बने हुए हैं। 6 जून को हालांकि दोनों सेनाओं में पीछे हटने पर सहमति बन गई थी, लेकिन चीन उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाया और इसके चलते ही 15 जून को दोनों सेनाओं के बीच खूनी झड़प हो चुकी है। इसके बाद दोनों देशों में विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत हुई थी और 22 जून को सैन्य कमांडरों के बीच भी मैराथन बैठक हो चुकी है। भारतीय सेना है पूरी तरह तैयार। चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि चीन पीठ में छुरा घोंपने वाला देश है, लिहाजा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ कायम तनाव के बीच सेना ने लंबी तैयारियां कर ली हैं। गतिरोध के लंबा खींचने के आसार हैं, लिहाजा सैनिकों के लिए सर्दियों तक वहां रुकने के इंतजाम भी कर दिए गए हैं। इसके लिए आवश्यक संसाधन जुटा लिए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से चीन ने अड़ियल रुख अपनाया हुआ है उसके चलते माना यह जा रहा है कि सर्दियों से पहले ये गतिरोध है वो खत्म होने वाला नहीं है। यदि सर्दियां शुरू होने के बाद भी चीनी सेना पीछे नहीं हटती है तो फिर तनाव और लंबा खिंच सकता है। ऐसे में सेना ने अभी से अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करना शुरू कर दिया है। सेना को वहां कब तक रहना पड़ सकता है इस बात पर निर्भर करता है कि चीनी सेना कब तक पीछे हटने लग जाती है, और चीनी सेना चूंकि अभी हट चुकी है, हालांकि तनाव जो है वो अभी बना हुआ है। लद्दाख क्षेत्र में अभी सेना की 5 बटालियन मौजूद हैं जो किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। ये संख्या करीब 50,000 होती है। आमतौर पर इस क्षेत्र में 1 बटालियन से ज्यादा मौजूदगी नहीं रहती है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर यहाँ ITBP के जवान भी तैनात हैं। 2000 अतिरिक्त जवान ITBP के हाल ही में वहां गए हैं। बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों इस वक्त लद्दाख जैसी ऊंचाई पर भी भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने भी अपनी कुछ तैयारियां वहां पर की हैं। लंबी तैयारी कर चुकी है भारतीय सेना। रक्षा सूत्रों के मुताबिक सर्दियों के मद्देनजर सबसे बड़ी जरूरत जवानों के लिए खास तरह के कपड़ों, यूनिफॉर्म, बूट और अन्य उपकरणों की होती है, जिसमें वो 0 डिग्री से भी नीचे के तापमान में मोर्चे पर सजग रह सकें। चूंकि तैनाती ज्यादा है लिहाजा इसके लिए अतिरिक्त खरीद की जरूरत पड़ रही है, और भारत सरकार ने अतिरिक्त सामग्री की आपातकालीन खरीद भी कर ली है। जो सामग्री पहले से उपलब्ध है उसे लद्दाख लगातार भेजा जा रहा है। बाकी सितंबर के अंत तक अगले 6 महीनों के लिए तैयारी पूरी कर ली जाएगी। ये बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि इतनी बड़ी तैयारी लद्दाख में पहली बार भारत ने की है। लद्दाख का इलाका हालांकि सड़क और वायु संपर्क से जुड़ा हुआ है, लेकिन सर्दियों में बर्फबारी के चलते मार्ग बंद हो जाते हैं। हालांकि दौलत बेग ओल्डी एयर पट्टी पे वायुसेना के मालवाहक विमान आसानी से उतर सकते हैं। ये विकल्प हमेशा मौजूद रहेगा और यही वो जगह है जहां से चीन सबसे ज्यादा डर रहा है, क्योंकि यहां से किसी भी वक्त रसद सामग्री है वो पहुंचाई जा सकती है।